नाथनगर प्रखंड क्षेत्र की भतोड़िया पंचायत की पश्चिम टोला निवासी सीताराम महलदार की 40 वर्षीय पुत्र प्रमोद महलदार की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मछली बेचने का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। वहीं हर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी में गया था, जहां पैर फिसल जाने से वो गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद पानी में मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में वो फंस गया। काफी देर तक वो घर वापस नहीं आया तो परिजनों से खोजने नदी किनारे पहुंचे तो खोजबीन के क्रम में जाल में फंसा देखा, जिसके बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक अपने पीछे पत्नी समेत 3 पुत्र और 1 पुत्री से भरा पूरा परिवार छोड़ गया है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना की सूचना पर भतोड़िया पंचायत की भावी पंचायत समिति प्रत्याशी मार्शल मंडल ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। घटना 3-4 बजे उठा और वहाँ से सर सामान सब चीज़ लेकर के यहीं पर आया मछली निकालने के लिए। अकेले आया और उधर से एक ठो उधर से आया ही तो यहाँ निकालने के लिए दोनों भेंट हुए। वो नए है यहाँ पर हेवे न क्रिया तो खोजने लगा तो पानी में तर में जाल के तर में मंडी निकाला। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला में मोबाइल चोरी और गुम होने के संबंध में लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उस आवेदन पर तकनीकी अनुसंधान के आधार पर चोरी और गुम हुए मोबाइल को नौगछिया पुलिस द्वारा तकनीकी सहयोग से बरामद किया गया है, जिससे उनका चोरी और गुम हुआ मोबाइल वापस मिल गया। नौगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि लगभग 10 लोगों का मोबाइल तकनीकी अनुसंधान के आधार पर नौगछिया पुलिस के सहयोग से बरामद किया गया है। बताते चले कि जिन लोगों का मोबाइल गुम या चोरी हुआ था उनमें से संजीव कुमार सिंह श्रीपुर से, रमेश सिंह श्रीपुर से, मोहम्मद शहबाज अली नारायणपुर से, अमित कुमार मकनपुर से, जितेंद्र कुमार राजेंद्र कॉलोनी से, मोहम्मद शमसाद सहोड़ा से, अंकुश कुमार झा तेतरी से, राकेश कुमार नौगछिया से, जुम्मेद खान नौगछिया से, नवीन कुमार साहू परबत्ता से, इन सबको तकनीकी सहयोग से इनका मोबाइल वापस मिल गया। नौगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने सबों को बुलाकर उनके मोबाइल वापस कर दिए। देखिए, विगत महीने कुछ लोगों का मोबाइल गुम गया था या चोरी हो गया था, तो वो लोग हमें जानकारी देते हैं, लिख के देते हैं। तत्काल जो तकनीकी शाखा मेरा यहाँ काम करता है, हम लोग उसके सहयोग से 10 व्यक्ति का मोबाइल को बरामद किया और अभी आपके सामने आए थे मोबाइल उन्होंने वापस भी किया। वो लोग काफ़ी लोगों में खुशी है और पुलिस प्रति भरोसा भी है, यदि मोबाइल गुम जाता है तो मोबाइल आज न कल बरामद हो जाएगा। इसमें तकनीकी शाखा की भूमिका बहुत सराहनीय रही है और आपके माध्यम से मेरा ये भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति मोबाइल गुम जाता है, चोरी हो जाती है, वो निश्चय और एकदम हमारे गोपनीय शाखा में ये कार्यरत है, तो वहाँ पर वो अपना आवेदन दें। हम लोग कोशिश करेंगे तब जल्द से जल्द उनका मोबाइल बरामद। सर, इसकी पहल कहाँ से करिएगा? अगर किसी का मोबाइल खो जाएगा तो पहले सूचना कहाँ पे दिया जाएगा? देखिए, थाना तो है, प्रथम सूचना थाना में दी जाती है ना। थाना सूचना दे, एक प्रतिलिपि हमारे यहाँ भी भेजते हैं, वैसे थाना भी वो मेरे ही पास भेजता है। थाना में भी सूचना दी जाती है, उसका वही प्रक्रिया है, फिर वो हमारे पास आता है, फिर अपना सेल को भेजते हैं, वो काम करता है। वो कॉपी हमें भी दे सकता है ताकि और जल्द कार्रवाई हो सके। मोबाइल नंबर भी है सर, क्या इसके लिए नहीं? सर, कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन जो मान से ये गोपनीय का जो सरकारी नंबर है उस पर बात कर सकता है। मेरा किसी पर फोन कर सकता है, देखिए ऐसा कोई प्लस नंबर नहीं है, लेकिन पब्लिक का कोई फोन, चाहे वो SP हो, चाहे वो SDPO हो, चाहे वो सर्किल इंस्पेक्टर हो, चाहे थानेदार हो, सभी उसको पिक करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ना। और वैसे हमने मेरा ऑफिस का नंबर है, मेरे मतलब गोपनीय सर का नंबर, उस पर बात कर सकते हैं। मोबाइल सर किस किस प्रकार का है? वो जितना सभी सारा स्मार्टफोन है, वीवो है, रेडमी है, सैमसंग है, ओप्पो है, सारी फोन सब है। का मोबाइल मिला, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे पुलिस जिला नवगछिया के सभी जो टेक्निकल सेल में हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सिपाही हैं, इस विभाग में जो काम कर रहे हैं, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। कितना खुशी है? क्या खुशी? कितना है खुशी? तो बहुत, मोबाइल मिला। आगे और जिसका मोबाइल इस तरह का होता है उसके लिए क्या कहना जी? बिल्कुल कहेंगे, हम लोग के क्षेत्र में जैसे ग्रामीण इलाके से हम लोग हैं, वहाँ पर ऐसा कोई होगा घटना तो हम उसको
उठा करके यहाँ पे कहेंगे कि इस तरह से यहाँ पे जाइए, सब तरह से बताएंगे, उसको जागरूक करेंगे वहाँ जा कर के। कहाँ से मिला मोबाइल? मेरा मोबाइल तो हमको यहीं से प्राप्त हुआ, लेकिन सिर्फ आवेदन दे करके हम पुष्टि किए थे मेरा खोया हुआ है, फिर हम यहीं से बरामद हुआ। कहाँ से बरामद हुआ? कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल खो गया था और यहाँ के प्रशासनिक जागरूकता के कारण से मेरा मोबाइल मिल गया, इस नाते हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग यहाँ पर आए गया। क्या कितना खुशी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर पुलिस प्रशासन पे? नहीं, इस नगोचा प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जल्दी ही मात्र 2 महीने के अंदर लग करके मेरा मोबाइल खो दिया। मेरा ही नहीं, कई आसपास के कई लोगों का भी इनके माध्यम से हुआ है, इसके लिए इस यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद। कहाँ से मिला मोबाइल? मेरा मोबाइल मेरे गाँव में ही एक कार्यकर्ता मैंने लड़का के पास उठा लिया था उन्होंने, बाद में यहाँ के यहाँ से पता चला तो प्रशासन ने जाकर के वहाँ से हमको दिलवाया। नौगछिया SDO यतिंद्र कुमार पाल ने बुधवार को बिहपुर प्रखंड में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 119 एवं पोषण परामर्श मेला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान SDO ने केंद्र में लगाए गए विभिन्न पोषण स्टॉल का भी निरीक्षण किया। मौके पर CDPO संगीता कुमारी व मॉडल केंद्र की सेविका पिंकी कुमारी ने 1 से 30 सितम्बर तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह से संदर्भित बातों व कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, गोद भराई दिवस समेत अन्य प्राशन दिवस की जानकारी SDO यतिंद्र पाल को दी। उद्घाटन समारोह के मौके पर SDO ने प्रखंड के विभिन्न गांवों से पहुंची आंगनबाड़ी की सेविकाओं को कहा कि समाज कल्याण विभाग समेकित बाल विकास सेवाएं एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और इस अभियान के स्लोगन सही पोषण देश रोशन को जमीनी स्तर पर चरितार्थ करे। उद्घाटन समारोह के मौके पर CDPO LS रानी कुमारी व अर्चना कुमारी, सेविका विद्या भारती, पुनीता कुमारी, सांभवी सुनीता, सबलम बबीता समेत बिहपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका व सहायिका मौजूद थी। वहीं इस मौके पर मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका पिंकी कुमारी द्वारा SDO का ध्यान मुख्य सड़क से आंगनबाड़ी केंद्र तक सड़क न होने के कारण बच्चों और महिलाओं को होने वाली परेशानियों को और दिलाते हुए इससे निजात दिलाने का आग्रह किया, जिस पर SDO ने मौके पर ही CDPO को निर्देश दिया कि अविलंब सड़क निर्माण को लेकर वो पहल करे। वहीं पोषण परामर्श मेला सह मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के उद्घाटन समारोह को लेकर CDPO संगीता कुमारी ने कहा कि सही पोषण को लेकर हर किसी को जागरूक करना ही कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज बिहपुर प्रखंड में है ना बाल विकास परियोजना कार्यालय के तरफ से केंद्र संख्या 119 जो ब्लॉक के बगल में ही है, यहाँ पर हम लोग आज पोषण परामर्श केंद्र का आयोजन किए हैं, जो ऐसा देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है, इसका उद्घाटन भी आज हमारे सर के द्वारा किया गया है, SDO सर के द्वारा है ना, उनके द्वारा काफ़ी सराहा गया है इस केंद्र के बारे में। पोषण परामर्श केंद्र इसलिए लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो लोग आ सके पोषण संबंधी परामर्श प्राप्त कर सकें, क्योंकि लोग यहाँ खाते तो हैं लेकिन सही रूप से खा पाते हैं या नहीं, आज के दौर में लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बच्चे बाहर का पैकेट बंद खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को रखते हुए हम लोगों का थीम ही है कि इस बार हम लोग अपने जो स्थानीय भोजन है उसकी डोर को हम लोग थामें, हमारे स्थानीय रूप से जो चीज़ भी उगता है उसी चीज़ को हम लोग खाएंगे तो हम लोग को बहुत पोषण प्राप्त होगा। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र पर अगर हम लोग अभी लड्डू बना रहे हैं तो उसमें हम लोग उपयोग क्या कर रहे हैं, चावल का आटा, फिर से मक्का भी यूज़ कर रहे हैं, आपका गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं, दाल यूज़ कर रहे हैं, और सबसे स्थानीय चीज़ हम लोग उसमें रागी का उपयोग कर रहे हैं जो बहुत ही फायदेमंद है बच्चों के लिए। और हम लोग क्या किए, इन सब चीज़ों को छोड़ दिए हैं और बाहर के खाना की ओर चल रहे हैं, तो पोषण परामर्श केंद्र के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोग अपने घर के खाने को खाएं और जिससे उनमें पोषण का सुधार हो, बच्चे में सुधार हो, और जब बच्चे के विकास होगी तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता का स्थानांतरण हो गया। अब वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की नई कुलपति बन गई। यह अधिसूचना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की गई। नीलिमा गुप्ता ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 6 माह दिए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 6 माह मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ के लोगों में काफी पोटेंशियल है, उम्मीद है इस पोटेंशियल को जगा कर रखेंगे। उनके विदाई समारोह पर विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक
पदाधिकारी उपस्थित थे। बताते चले प्रोफेसर नीलमा गुप्ता 1 मार्च 2021 को TMBU के कुलपति के रूप में अपना योगदान दी थी। अभी TMBU को कोई कुलपति नहीं है। साथ ही यह भी बताते चले कि नीलमा गुप्ता को 44 वर्षों के शोध का अनुभव तथा 34 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। शोध अनुसंधान में 60 से अधिक पुरस्कार व सम्मान से वो नवाजी गई है। भागलपुर में 6 माह में ही उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सौंदर्यकरण को लेकर भी उन्होंने कई कार्य किए। NAC मूल्यांकन को लेकर वो खुद भी मॉनिटरिंग करती दिखती थी। भागलपुर जिले में लोग इन दिनों वायरल फीवर को लेकर काफी चिंतित हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक AK दास ने वायरल फीवर से कोई भी परेशानी होने की बात को एक्सरे से खारिज कर दिया। उन्होंने आम लोगों से मीडिया में छप रहे रिपोर्ट को लेकर भयभीत नहीं होने की बात करते हुए कहा कि आम लोग मीडिया में आ रही रिपोर्ट से काफ़ी डरे सहमे हैं, लेकिन ज़मीन पर हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सीरियस केस वो होगा जो भर्ती होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ 25 बेड ऐसे ही खाली हैं जो पीकू के हैं। उनका कहना हुआ कि अपने यहाँ मामूली केस है जिसे ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। आउटडोर में जो बुखार में केस देखते हैं वो सीजनल फीवर है, उसे वायरल फीवर कह के हम लोग आंकड़े में नहीं लेते हैं। उनका यह भी कहना हुआ कि अगर कोरोना के भी मरीज आ जाते हैं तो हमारे पास पूरी सुविधा है। पीडियाट्रिक में 60 बेड, पीकू में 30 बेड, इसके अलावा और भी बेड हम लोग मैनेज कर सकते हैं। दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ की कमी नहीं है, हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। जिस मनुष्य में भावना का संचार ना हो, जिसे अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, उसका हृदय हृदय नहीं पत्थर है। राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत वीर रस के महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मनाई गई। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति नीलमा गुप्ता एवं सभी पदाधिकारी ने रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि TMBU के लिए काफी गर्व की बात है कि रामधारी सिंह दिनकर इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। उनके जन्मदिवस पर हम सब काफ़ी खुश हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि रामधारी सिंह दिनकर इस विश्वविद्यालय के अंग रहे, हम सबों के लिए ये काफ़ी गर्व की बात है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति के अलावा सभी पदाधिकारी एवं विभागाध्यक्ष भी शामिल थे।